काफी हजरात की शिकायत आ रही है कि टेबल के पास काफी गर्दी हो जा रही है, तो वकील और गवाही टेबल के पास रहे, ज्यादा भीड़ न लगाए। निकाह पढ़ाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काजी के पास जो है निकाह की पूरी लिस्ट है वो आपके टेबल के पास नंबर से पहुंचेंगे, क्योंकि वो अपने वक्त के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, उनके पास काफी तादाद में निकाह हैं। आप लोग बराए करम बार बार ऐलान करने की जहमत ना करें, क्योंकि यहाँ हर किसी का ऐलान नहीं किया जा सकेगा, उसे दूर करने की कोशिश करें। अपनी लौलिया साहब से मेरी गुजारिश है कि वो अपनी टीम के साथ इस काम को सरंजाम दें। 126 नंबर के जो टेबल है उस पर भी ताई साहब अभी तक और भी सके। काजी साहब के पास 25 से 26 दिखा है, आप अभी के अभी में सबके लिखे नहीं हो गए, आप वो काजी साहब होते हैं। और लोगों की चलो क्या मुश्किल है, क्या तकलीफ है, वकील की हैसियत से शरीफ होता है, तो ये 182 और 154 टेबल नंबर के लोग कई के जिन टेबलों के निकाह मुकम्मल हो चुके हैं, वहाँ पे अधिकारियों को भेजकर इमरान बहुत सारे लोग यहाँ पे बोल रहे हैं हमने कि हमारे मित्र जो है कंप्लीट हो गए। हाँ, तो अब आपके सुना राजे साहब अखिल साहब आपको गुजारिश है कि जो निकाह कंप्लीट हो गए नगर निगम के अधिकारी वहाँ आकर कानून कानूनी खाना पूरी करें। तमाम दूल्हा दुल्हन जो इस मुख्यमंत्री निकाय आके कार्रवाई कंप्लीट न करे जब तक पूरा अपनी टीमें जोड़े न। इनके निकाह हो चुके हैं, वो दूल्हे कहीं बाहर न जाए बल्कि अपने टेबल नंबर पे बैठे रहे। उसके और किसी गैर जरूरी मर्द को अंदर आने से मना करें। ग्रामीण मतलब का ध्यान रखें कि वो लेडी जो गेट है वो वहाँ पर खड़े हो जाए और मर्दों को औरतों के पिंडाल में आने से रोके। मेरी एक दफा फिर गुजारिश है तमाम अंसारी साहब पार्षद के पुत्र आरिफ खान साहब प्रेसिडेंट को मंजिल पर आ जाए। पार्षद सैयद अब्बास मोमिन, एजाज अफजल साहब और जिम्मेदारों के साथ अपने अपने टेबल नंबर पर बैठने की कोशिश करें, इख्तिताम हो सके। एक बार फिर से मुबारकबाद पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द अपने अपने टेबल नंबर पर अपने जिम्मेदारों के साथ बैठकर कार्रवाई को मुकम्मल करवाएं, कंप्लीट करवाएं।
भाई साहब को बैठा है ना यार, हमको बैठा है ना ना साहब जो सदर घूमने वाल पापा से कठिन का है, हम दिल की गहराइयों से उनका इस्तेमाल करते हैं। बताओ तमाम पार्षद अभियान से गुजारिश है कि वो अपने वार्ड के दूल्हा दुल्हन के इंतजाम को लेके बहुत सारे लोग यहाँ हमारे भवन में है, तो वो पार्षद अभियान जिनके वार्डों के भाई अंसारी निशा होता है और दूल्हे की जानी से जो रिश्तेदार या दूल्हे के जो दोस्त की सीधा की शाही रहते हैं गवाह रहते हैं, तो बहुत से दूल्हों के साथ वकील और गवाह मौजूद नहीं है, इसलिए नगर निगम के जिम्मेदारों को पूछना है ऐसी भलाई स्कीमों से आवाम का आवाम की सेवा कर रही है हमारी मध्य प्रदेश सरकार। इस मौके पर मैं अपनी सरकार नगर निगम किया करती थी, लेकिन आप जब योजना का स्वरूप बदला है तो हम कोई सामग्री नहीं देते हैं। उसका उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति को जो आवश्यकता है वो उस प्रकार से अपनी जो उनके पास है उसकी आवश्यकता उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं है वो दी गई राशि से खरीद कर अपनी आगे की जिंदगी चलाए। और बस शुरुआत के लिए एक टोकन स्वरूप सरकार जो है 49,000 रुपीज की राशि पर अपने दूल्हा दुल्हन के खाते में डालते हैं जिससे वो अपने आगे की व्यवस्था कर सके। यहाँ पर टेंट की व्यवस्था खाने की व्यवस्था नगर निगम करता है, जिसके लिए प्रति कपल उनको 6,000 रुपये मिलते हैं। और एक जरूर मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ पे दूल्हा दुल्हन है, अब आज के निकाह के उपरांत आप अपने शादी का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में भी कराएंगे, इसमें नगर निगम भी आपकी हेल्प करेगा ताकि शादी का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में भी हो जाए। ज़्यादा समय में नहीं दूंगी, काफ़ी लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, तो बस दूल्हा दुल्हन को शादी की खूब सारी मुबारकें। धन्यवाद।